देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। निर्वाचन आयोग ने फूका लोकसभा चुनाव का बिगुल। 7 चरणों में होगा मतदान, 23 मई को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया है। 11, 18, 23, 29 अप्रैल एवं 6 और 12 और 19 मई को चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। सभी चरणों की वोटिंग की गिनती एक साथ 23 मई को होगी। सबसे ज्यादा 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाले बिहार और 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान होगा। पहले राउंड में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे राउंड में 13 राज्यों की 97 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटों पर वोट पड़ेंगे। चौथे दौरे में 9 राज्यों की 71 सीटों पर, पांचवे में 7 राज्यों की 51 सीटों पर, छठे राउंड में 7 राज्यों की 59 सीटों और सातवें एवं आखिरी दौर में 8 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली में छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। 12 राज्यों की उप विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होगा। आज के लिए खबरों में इतना ही। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.